इंदौर का एक नवयुवक मेरे पास आया और आकर मुझसे बोलता है, महाराज जी मैं शिक्षा के लिए इंदौर में पढ़ रहा हूँ, रह रहा हूँ, एक व्यथा है आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने वो व्यथा मेरे सामने रखी। ये वक्तव्य केवल उसी और उस टाइप के बच्चों के लिए है जो उस व्यथा से ग्रस्त हैं। वो क्या व्यथा है आपके सामने रखता हूँ। वो बालक आकर मुझसे बोलता है, महाराज जी मैं PSC की तैयारी कर रहा हूँ। कब से महाराज जी? 4-5 बरस हो गए, लेकिन मेरा ये एक प्रकार से दुर्भाग्य कहूँ क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ महाराज जी? मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। क्यों महाराज जी? सारे प्रयासों के बाद भी पुण्य जोर नहीं मार रहा है। हुआ क्या? कुछ समय पहले परीक्षा हुई। परीक्षा में मैंने बहुत अच्छा मेहनत भी बहुत की और मैं व्यवस्थित तरीके से पेपर भी दिया, लेकिन मैं निकल नहीं पाया। 5 साल में क्या हुआ महाराज जी? 4-5 साल पहले MPPSC का पेपर दिया था। प्री में भी मैं निकल गया, मेन में भी मैं निकल गया, मेंस में भी जो भी है, और उसके बाद इंटरव्यू भी दिया। लेकिन अचानक सरकार बदल गई और सरकार बदलने से कुछ आरक्षण रिजर्वेशन संबंधी समस्या ऐसी आई कि उसको रिजल्ट को रोक दिया गया और आज भी उसका रिजल्ट अभी भी वो अधर में है। कोर्ट में रिट दायर की गई और अभी उसका फैसला नहीं आया है। और वो बालक मेरे सामने रोने लगा। मैंने कहा, घबराता क्यों है? महाराज जी मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ मेरे पास वक्त नहीं है। 5 बरस हो गए, ना तो उसका रिजल्ट आ रहा है और ना वो मना कर रहे हैं, कौन? कोर्ट से। और राजनीतिक रोटियों के चक्कर में हम लोग जैसे लाखों बच्चे परेशान हैं। हम कुछ कर नहीं पा रहे। मन बोलता है कि कुछ दूसरा रास्ता पकड़ लूं। दूसरा रास्ता मतलब अब 5-6 वर्ष हो गए PSC से, तो छोड़ के या तो कोई बिजनेस कर लूं अथवा कोई दूसरी कोई बैंकिंग आदि की अथवा कोई और तैयारी करके, क्योंकि मुझे उम्र भी हो रही है और अपना कैरियर को भी बनाना है। तो वो रोने लगा। जब मैंने ये बात ठंडे दिमाग से रात्रि में सोची तो मुझे लगा इस बात को गुरुदेव की नज़रों से रखना चाहिए आपके सामने। क्या समस्या है? उसने जो मुख्य समस्या बताई वो उसकी ये थी, उसका कहना ये था, उसका अथवा उन जैसे लाखों बच्चों का, कि महाराज जी अगर वो फैसला दे दें कि जो आपका वो रिजल्ट था जिस रिजल्ट में मैं निकल गया था कि उसको हम रद्द करते हैं तो भी संतोष है, और यदि वो ये कह दें कि हाँ अभी उसकी मतलब या तो हाँ कह दें या ना कह दें, मतलब अटका हुआ है और हर 2-3 महीने में उसकी एक नई तारीख आती है और 3 महीने फिर हम लोग सोचते चलो अब 3 महीने बाद फिर रिजल्ट आएगा, लेकिन जैसे 3 महीने होते हैं तो वो सुनवाई होती है और फिर वो 3-4 महीने की आगे की डेट दे देते हैं। तो उसके चक्कर में भी मैं रुका हूँ और नई जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें पूरे प्रयासों के बाद भी इसी रिजर्वेशन के चक्कर में 90% वाले भी रह रहे हैं और 50-60% वाले, 40% वाले भी लिए जा रहे हैं। बहुत व्यथित है महाराज जी, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप कोई रास्ता बताइए। तो मैंने सोचा मैं रास्ता बताने वाला तो कोई हूं नहीं, लेकिन रास्ता 35 वर्ष पहले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने बताया था उसे आपके सामने रखता हूं। मूक माटी में आचार्य श्री जी ने 35 वर्ष पहले लिखा, आरक्षण होना ही चाहिए। आरक्षण बोले तो रिजर्वेशन, 100% आरक्षण होना चाहिए, ये आचार्य श्री जी के वचन है। महाराज जी अभी तो 60 ऐसा चल रहा है। जो नई सरकार आती है वो कहती है कि हम 10% बढ़ा देंगे वोट बैंक के चक्कर में, फिर दूसरी आ जाती है तो वो घटाना चाहती है, लेकिन लोग जाके कोर्ट में एक रिट दायर कर देते हैं तो उसका फैसला हो नहीं पाता। वोट बैंक के चक्कर में हम पिस रहे हैं और मुख्य उसका कारण है रिजर्वेशन। तो गुरुदेव ने कहा रिजर्वेशन 50-60% नहीं, 100% होना चाहिए। मतलब महाराज जी गुरुदेव रिजर्वेशन के पक्ष में हैं? हाँ, रिजर्वेशन के आचार्य श्री 100% पक्ष में हैं। महाराज जी ये तो और गड़बड़ हो गया, अगर 100% रिजर्व हो जाएगा उन लोगों को तो फिर क्या होगा?
रिजर्वेशन होना चाहिए 100%, लेकिन रिजर्वेशन की जो परिभाषा है वो गुरु जी की थोड़ी सी अलग है, वो आपको सुनना चाहिए। जितने लोग इस वक्तव्य को सुन रहे हैं उन लोगों का कर्तव्य है कि इसे ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो मैं कह रहा हूं ये शब्द गुरुदेव के हैं, 35 वर्ष पुराना चिंतन है वो रख रहा हूं। और जो लोग पीएम से अथवा सीएम से अथवा भारतीय शासन जो शासक हैं उनसे संपर्क में हैं, रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं गुरुदेव के इस वचन को वहां तक अवश्य पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन होते हुए भी वो रिजर्वेशन नहीं है, उनकी समस्या भी हल हो जाएगी और उन बच्चों की समस्या भी हल हो जाएगी, और जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो समस्या भी उनकी हल हो जाएगी। एक आधी पंक्ति का वो उत्तर है, उत्तर केवल इतना है, गुरुदेव ने मूक बाटी में 35 वर्ष पहले लिखा रिजर्वेशन 100% होना चाहिए लेकिन बौद्धिक नहीं आर्थिक। क्या कहा? अभी कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई, बहुत विस्तार से मैं समझा देता हूं। गुरुदेव ने कहा रिजर्वेशन 100% होना चाहिए लेकिन बौद्धिक नहीं आर्थिक। इसका मतलब यह है जो बच्चे बुद्धि से कम हैं, 90% की बजाय 50% लाते हैं, लेकिन एक उस वर्ग के हैं जिस वर्ग को ऊपर उठाकर उन्हें रिजर्व किया जाता है, तो अगर हम बौद्धिक रिजर्वेशन कर देंगे तो परिणाम ये निकलेगा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, और चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, यदि बौद्धिक रिजर्वेशन होता है तो उससे प्रतिभा कुंठित होती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे मैं समझाता हूँ। प्रतिभा कुंठित होती है कैसे? माना कि रिजर्वेशन कर दिया आपने चुनाव में कि इस स्थान पर ये लोग इतने इतने आएंगे, अब माना कि उनमें योग्यता नहीं है लेकिन आपने रिजर्वेशन कर दिया, तो ये हो गया बौद्धिक रिजर्वेशन। बुद्धि उनकी उतनी नहीं थी, उस पद के योग्य नहीं थी, लेकिन आपने रिजर्वेशन कर दिया और उन्हें रिजर्व कर दिया। परिणाम क्या निकलेगा? 5 वर्ष तक चाहे वो गांव का मुखिया बन जाए, चाहे वो जिले का मुखिया बन जाए, चाहे वो प्रदेश का मुखिया बन जाए, और चाहे वो देश का मुखिया बन जाए, रिजर्वेशन के चक्कर में देश का भविष्य विकास रुक जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो बौद्धिक ना करके आर्थिक रिजर्वेशन कीजिए। महाराज जी आर्थिक रिजर्वेशन क्या है? मैं रखता हूं। गुरुदेव का ये कहना है कोई बेटा यदि वो प्रतिभा संपन्न है और उसके पास संसाधन नहीं है, उस जाति वर्ग से है जिनके पास कुछ नहीं है, 2 जून की रोटी भी नहीं है, हर एक टीचर को 10 मिनट में ये समझ में आ जाता है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं और किनका क्या लेवल है, कौन विद्यार्थी कितने पानी में है, ये उस टीचर को 1-2 दिन की कक्षा में समझ में आ जाता है। तो जैसे ही उन टीचर को ये समझ में आए कि ये बच्चा इतनी योग्यता रखता है, उस बच्चे को वो किसी भी कौम का हो उसको ऊपर उठाया जाए और उसको 100% आर्थिक रिजर्वेशन दिए जाए, मतलब उसकी 100% आर्थिक सहायता की जाए, मतलब उसकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी जबरदस्त की जाए कि वो अपने बुद्धि के क्षयक्षम को इतना ऊपर ले जाए कि उसको रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े, वो अपने बुद्धि के बल से 90%, 95% नंबर लाए और ला सकता है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि किसी धर्म जाति अथवा किसी संप्रदाय के व्यक्ति के अंदर ही वो बुद्धि होगी। एक चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और बना भी है, आपके सामने है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो नीचे का है, धर्म पंथ जाति आदि से वो नीचे का है लेकिन उसके अंदर बुद्धि ना हो। हो सकता है उसके अंदर इतनी बुद्धि हो कि वो देश का पर राज करे, हो सकता है वो विश्व पर राज करे, ऐसा भी हो सकता है। तो महाराज जी फिर क्या? गुरुदेव का कहना है कि उसे सरकार जो रिजर्वेशन करना चाहती है, आरक्षित करना चाहती है, उन सब का ये कर्तव्य है ऐसे योग्य बच्चों को चुने जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है लेकिन उनमें बुद्धि है अथवा उनकी बुद्धि को विकसित किया जा सकता है, 100% उन्हें रिजर्वेशन दें।
ऐसी व्यवस्था की जाए उनकी सारी शिक्षा फ्री की जाए, उनके भोजन की पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, आना जाना कोचिंग ट्यूशन जितनी भी है उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएं, और उन सुविधाओं के बल पर वे बच्चे अपनी प्रतिभा को ऊपर उठाएंगे। फिर उन्हें ये नहीं कहना पड़ेगा अपने जीवन भर कि मैं रिजर्व कोटे से आया हूँ।